दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हम सब की पसंदीदा बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। और कभी भी त्यौहार होते हैं तो सबके घर में ये ज़रूर बनती है, तो मैं बहुत ही ईजी स्टेप्स के साथ एकदम हलवाई जैसी बर्फ़ी बनाने का तरीका बताऊँगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 400 ग्राम बेसन लिया है। और आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो भी बाउल या जो भी मेजरमेंट आप लेना चाहें, उस मेजरमेंट का जितना बेसन ले रहे हैं उसका 3/4 शुगर लेनी है। तो जैसे मैंने 400 ग्राम लिया तो मैंने ऑलमोस्ट 300 ग्राम या 320 ग्राम के आसपास मैंने शुगर ले लिए, मैंने इसे 3/4 लिया है। और इसमें कम से कम 250 ग्राम घी लगेगा। इसके साथ ही ड्राई फ्रूट्स लगेंगे, तो मैंने काजू लिया है थोड़ा बारीक कटा हुआ, और मैंने पिस्ता बारीक कटा हुआ रखा है। इसके अलावा हमने इन्हीं काजू, पिस्ता और बादाम को मैंने थोड़ा लंबा जो ऊपर गार्निश करते हैं उसके लिए तैयार किया है। तो आपके पास जो अवेलेबल हो, जो ड्राई फ्रूट आप डालना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसे मैंने थोड़ा पतला और लंबा काटा है ताकि हमारे ऊपर से जो गार्निश करेंगे तो बढ़िया लगेगा। अब पैन में सबसे पहले हम घी ले लेते हैं। तो हमने जितना घी है हम पूरा घी एक साथ डाल रहे हैं। तो हमने ये पैन में घी ले लिया, और आँच को आप धीमे रखें थोड़ा, मीडियम साइज़ पे। एक बार हल्का सा घी गर्म हो जाए उसके बाद आप लो कर दें। और हम धीरे धीरे करके इसमें अब बेसन डालेंगे। तो हमने आधा बेसन पहले डाल दिया है, अब इसे अच्छे से थोड़ा मिक्स कर देते हैं। जो हमारा घी है वो एकदम परफेक्ट है, मतलब जितना चाहिए हमने उतना लिया है। तो आपको अगर इनिशियली ऐसा लगने लगे कि जो बेसन है वो ज़्यादा है, ये टाइट लग रहा है, तो आप घबराए नहीं, आप थोड़ा थोड़ा करके एक बार डाल दीजिए। और एक बार जब एक बार सारा बेसन मिक्स हो जाएगा तब उसके बाद हम इसे अच्छे से फ्राई करना शुरू करेंगे। इसे कम से कम हमें 15 से 20 मिनट तक फ्राई करना पड़ेगा, इसलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अभी देखो मैंने बाकी बचा हुआ जो बेसन था वो भी इसमें डाल दिया है, और आप इसे अच्छे से मिक्स करें ताकि जो बेसन है वो अच्छे से घी में मिक्स हो जाए। अभी एक बार को आपको लग सकता है कि ये बहुत ड्राई है या इसमें मतलब घी कम दिख रहा है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, जितना हमने घी लिया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और ये जो कंसिस्टेंसी है ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि जो घी है उसे बेसन ने पूरा अब्सॉर्ब कर लिया है। जैसे जैसे हमारा बेसन फ्राई होने लगेगा वो धीरे धीरे घी छोड़ेगा। आप देख सकते हैं कि अभी ही इसके जो है ना कलर उसमें चेंज आ गया है। तो ये हल्का सा इसका जो पीला रंग है वो आने लगा है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा बेसन फ्राई होता जाएगा और वो घी छोड़ना शुरू कर देगा। तो आप बिल्कुल भी डरे नहीं और इसमें एक्स्ट्रा घी नहीं डालें। बस हमारी बेसन की बर्फ़ी का बनाने का जो मेन जो क्या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो वर्क है वो यही है कि हमें इसे परफेक्ट फ्राई करके लेना है। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो पेशेंस चाहिए, आप बिल्कुल भी आग को तेज़ नहीं कर सकते। जहाँ आपने इसको तेज़ कर लिया आपका बेसन जल जाएगा और वो अच्छे से फ्राई नहीं होगा। तो आपकी जो आँच है वो हमेशा ही लो रखिए, चाहे तो 30 सेकेंड्स के लिए आप उसे मीडियम कर सकते हैं, फिर वापस उसे लो कर दीजिए। अब देखिए, आप देख रहे हैं कंसिस्टेंसी कैसे चेंज हो रही है, धीरे 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 जो घी है वो छूट रहा है। और जैसे जैसे घी छूटने लगेगा आपका जो बेसन है वो एकदम सॉफ्ट होता जाएगा। हमें बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, बिल्कुल भी आपकी जो चम्मच है वो रुकनी नहीं चाहिए, उसे चलाते रहना है। क्योंकि जहाँ आपने 1 सेकंड के लिए भी इसे छोड़ दिया वो नीचे से पिंक होने लग जाएगा, यानी कि जलना शुरू कर देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या करेंगे, 10 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं तो हम इसे बंद कर देते हैं, यानी गैस को ऑफ़ कर देते हैं। पर ऑफ़ करने के बाद भी आप इसे कंटिन्यू चलाते रहिए, क्योंकि गैस ऑलरेडी गर्म था, हमारा पैन गर्म था, तो ये जल जाएगा। तो ऑफ़ करने के बाद इसे कंटिन्यू 2 से 3 मिनट चलाइए, फिर साइड में रख दें। मीनवाइल हम जो है चाशनी के लिए शुगर चढ़ा देते हैं। अगर आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड है तो आप उन्हें कह सकते हैं चाशनी चढ़ाने को, और आप कंटिन्यू बेसन को फ्राई करते रहें। तो हमने जैसे कि यहाँ पे 300 ग्राम चीनी लिए, उसमें 1 कप पानी डाल दिया है और इसे उबलने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसे साइड में रख देते हैं, दोबारा हम अपने बेसन की तरफ आ जाते हैं। अब फिर से हम इसे फ्राई कर रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि अगर आपको कोई मदद करने वाला है तो आप उनसे भी कह सकते हैं कि इसे कंटिन्यू चलाते रहें और आप चाशनी पे ध्यान दे सकते हैं। लेकिन अभी हमने चाशनी चढ़ा दी है, चाशनी को भी हमें बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है, हल्का सा ही उसे चिपचिपा हो उतना ही तैयार करना है। तो अब देखिए हमारा जो बेसन है वो बिल्कुल सॉफ्ट होता जा रहा है, जैसे जैसे ये पकेगा सॉफ्ट होता जाएगा। तो अभी ऑलमोस्ट हमने इसको 15 मिनट हो चुके पकाते पकाते।
ये काफ़ी सॉफ़्ट हो चुका है और अभी और थोड़ा सा और सॉफ़्ट होगा तो बिल्कुल ये है ना ढीला, मतलब एकदम से गीला हो जाएगा, तब हमारे जो बेसन है बिल्कुल तैयार मानेंगे हम। तो थोड़ी देर और हम इसे फ्राई कर लेते हैं और देखिए अब धीरे 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 बिल्कुल जो घी है वो छूटने लग गया है। मेरे यहाँ पे कैमरा चेंज हुआ है इसलिए थोड़ा सा कलर चेंज दिखा रहा है, पर ये कलर जो पहले था वही वैसा ही येलो कलर ही है, इतना लाइट कलर नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि इस गैस को ऑफ़ कर देंगे। फिर से मैं बता रही हूँ, गैस को ऑफ़ करने के बाद भी हमें इसे 1 मिनट तक चलाते रहना है ताकि ये जले ना, नहीं तो वो जो गर्म कढ़ाई है वो इसे वापस से जला देगा, उसमें कलर चेंज हो जाएगा। तो बस इसे ऑफ़ करने के बाद भी हम इसे कंटिन्यू इस तरह से चलाते रहेंगे। तो एक बार हल्का सा हमारा जो पैन है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर आप इसे साइड में रख सकते हैं। तो हमारा जो बेसन है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसे अब हम साइड में रख सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे फिर से मेरा कैमरा चेंज हुआ है तो अभी इसका कलर ऐसा दिख रहा है। अब देखिए ये जो कंसिस्टेंसी है, इस तरह से हमारा बेसन बिल्कुल बढ़िया वाला हो जाना चाहिए। अब देखिए हमारा जो चाशनी है वो भी तैयार है, तो हम थोड़ी सी इसमें कलर डाल रहे हैं ताकि हमारी जो बेसन की बर्फी है वो बढ़िया कलर आ जाए। और आधा चम्मच मैंने इसमें डाली हुई है कुटी हुई इलायची, अच्छे से मिक्स कर दें और गैस को ऑफ़ कर दें। अब हमें देखना है कि चाशनी किस लेवल की होनी चाहिए, तो हल्का सा आप इसको टच करके देखें, ये एक तार नहीं होनी चाहिए, हम सिर्फ इसको देख रहे हैं कि चिपचिपी है, जैसे एक हनी कैसे चिपचिपी होता है बस उतना चिपचिपापन आ जाना चाहिए। इसको हमें एक तार या वैसा बहुत ज़्यादा इसे गाढ़ा नहीं बनाना है। अब क्या करेंगे हम कि चाशनी को इस बेसन में हम मिक्स करेंगे। एक चीज़ और बहुत ध्यान रखिएगा, हमारा गैस ऑफ है, हमने बिल्कुल ऑफ़ गैस पे ही ये काम कर रहे हैं, हमें सिर्फ इसे मिक्स करना है। तो ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें चाशनी डालती जाऊंगी और बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से स्मूथली ये मिक्स हो रहा है। अब बाकी बचा हुआ चाशनी भी मैं इसमें डाल देती हूँ और इस तरह से जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी चाशनी डालेंगे उसे हम मिक्स करते जाएंगे। देखो हमारा जो जो बैटर जो बेसन तैयार हुआ वो एकदम स्मूथ है ना, बहुत ही बढ़िया स्मूथ तैयार हुआ है। इस तरह से मैंने सारी चाशनी इसमें डाल दी है, अब अच्छे से हिला दिया है, मिक्स कर दिया है। जब आपको लगे कि पूरी तरह से चाशनी और जो बेसन है वो मिक्स हो चुका है, तब हम इसमें हमारे जो बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स थे वो मिक्स करेंगे। तो मैंने काजू डाला, अब मैं इसमें पिस्ते डाल रही हूँ। आपके पास जो अवेलेबल हो, जो आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम एक ट्रे लेंगे जिसे ऑयल से ग्रीस कर दिया है मैंने, और अब हम इसमें डाल रहे हैं हमारा बैटर। तो ये जो हम पूरा ग्रीस करने के बाद इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं और देखिए कितने फ्लोली गिर रहा है, इसका जो फ्लो है उसी से आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा बैटर तैयार हुआ है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। अब इसे पूरी तरह से इसमें डाल दिया, अब हल्के से ट्रे को टैप कर दें ताकि बिल्कुल बराबर ये अच्छे से फैल जाए। अब हम इसे गार्निश कर देंगे। तो जैसे हमने जो पतले लंबे ड्राई फ्रूट्स काट के रखे थे वो मैं इनको चारों तरफ इस तरह से डाल दे रही हूँ। मैंने बीच में जगह छोड़ी है ताकि मैं वहाँ पे जो हमारी चांदी का वर्क है वो लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने ये डाल दिया है और बीच में मैं इसमें चांदी का वर्क लगा देती हूँ। आप जैसे चाहे वैसे अपनी बेसन की बर्फी को डेकोरेट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों हमारी बेसन की बर्फी ऑलमोस्ट बनके तैयार हो गई है, अब इसे बस ठंडा होने की देरी है। जैसे ये हल्की सी ठंडी हो जाए हम इसे जो भी शेप देना चाहे उस शेप में काट लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे थोड़े से बड़े शेप में ही काट रही हूँ, आपको जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं। और देखो कितने स्मूथ से ये कट रहा है, मतलब कि इतना एकदम सॉफ्ट सा है हमारा, और जैसे जैसे ये ठंडा होगा वो टाइट होता जाएगा। तो एकदम से पूरी तरह से टाइट होने से पहले आपको जो भी शेप देना है वो शेप दे दीजिए। तो मैंने थोड़ी सी बड़ी बड़ी बर्फ़ी काटी है, आप अपनी पसंद के हिसाब से काट सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो बर्फ़ी है बिल्कुल कट के तैयार है, थोड़े ठंडा होने के बाद आप इसे निकाल भी सकते हैं। देखिए कितना स्मूथली कितना ईजीली हमारी बर्फ़ी निकल गई है, आप देख सकते हैं इसके साइड्स कितने परफेक्ट हैं। तो इस तरह से हम एक एक करके अब सारी बर्फ़ी निकाल लेते हैं। जैसे जैसे ये ठंडी हो जाएगी बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। आप देखिए ये जो बर्फ़ी है बिल्कुल परफेक्ट बनी है, बहुत ही टेस्टी भी है। और एक एक करके हम निकाल के इसे प्लेट में सर्व कर देते हैं। देखिए हमारी जो बर्फ़ी है वो कितनी स्मूथ बनी है, बिल्कुल
सॉफ्ट और स्मूथ है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया, एकदम हलवाई जैसा इसका टेक्सचर है और उतनी ही ये टेस्टी भी है। ये थोड़ी सी ठंडी होने के बाद अगर आप तोड़ के देखोगे तो भी बहुत ही ईजी से टूट जाएगी। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, जैसे जैसे ठंडी हो गई बिल्कुल सॉफ्ट, कितनी आसानी से टूट रही है देखो, और एकदम बढ़िया मलाईदार जैसे कह सकते हैं, जिसको एकदम सॉफ्ट बनी है। तो आप एक बार इसे ज़रूर बना के देखें। आई होप आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को तो ज़रूर दबाएँ।